मध्य प्रदेश के पहले कोरोना मरीजों में से एक जबलपुर की सुनीता अग्रवाल ने भोपाल के एक गंभीर कोरोना मरीज को अपना प्लाज्मा डोनेट करने पर सहमति दे दी है। जिला प्रशासन के आग्रह पर सुनीता अग्रवाल ने भोपाल जाकर अपना प्लाज्मा डोनेट करने की हामी भरी है। हाल ही में केंद्र सरकार के स्तर पर प्लाज्मा थेरेपी की चर्चा जब शुरू हुई तो मध्य प्रदेश में भी इसके प्रयोग की कवायद की जा रही। राजधानी से जिला प्रशासन के पास सूचना पहुंची थी कि भोपाल में एक कोरोना मरीज की हालत गंभीर बनी हुई है, लिहाजा उनके लिए जबलपुर जिला प्रशासन ने सुनीता अग्रवाल को प्लाज्मा डोनेट करने के लिए राजी कर लिया। प्रदेश के पहले कोरोना मरीजों में से एक सुनीता अग्रवाल को उनके परिजनों के साथ चिकित्सा विशेषज्ञों की निगरानी में भोपाल रवाना किया गया है। तो इस बीमारी को लोगों ने इतना हवा बना दिया है कि जो जिसको नहीं है वो डरता है, जिसको हो चुकी है तो उसकी तो बात ही छोड़िए, ठीक है ना। लेकिन ऐसी बीमारी, ऐसी हवा वाली बीमारी नहीं, जैसे जनरल वायरस होते हैं ऐसे ही है, पर किसी किसी का शरीर इसको सहन नहीं कर पाता तो उसकी बीमारी बढ़ जाती है, तो उसको थोड़ा ज़्यादा प्रिकॉशन की ज़रूरत रहती है। अदरवाइज जैसे अपन खून डोनेट करते हैं, ऐसे प्लाज्मा डोनेट करते हैं, तो लोगों को ये डरना नहीं चाहिए कि हम स्वस्थ होकर आ गए, एक बार तो बच गए, ऐसा ना हो कि फिर कुछ हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। हमें तो इसी तरीके से आश्वस्त किया गया, उसी के आधार पर हम ये तैयार हुए अपने देखने के, और फिर जो होगा ईश्वर के आगे सब फेल है, जो ईश्वर चाहेगा होगा वही। तो हमारे हिसाब से यदि अपन बच गए तो किसी को बचा सकते हैं तो उसमें हर्ज क्या है, और एक व्यक्ति दो लोगों को बचा सकता है उसमें। भोपाल में एक जो सीरियस पेशेंट है उनको अपना प्लाज्मा डोनेट करने के लिए उनकी पत्नी सुनीता अग्रवाल जी और उनकी बिटिया, मतलब वो लोग जा रहे हैं। आज हमने उनको रवाना किया है, भोपाल प्रशासन से बात हुई है, और उनकी पत्नी सुनीता अग्रवाल जी जो बी पॉजिटिव जिनका ब्लड ग्रुप है वो वहाँ जाके प्लाज्मा डोनेशन के लिए जा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, हम उनको उन परिवार को बधाई देता हूँ मैं कि एक अच्छी शुरुआत हुई है। हमारे शहर के पहले जो पॉजिटिव केस, जो न केवल हमारे शहर के पहले थे बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के पहले पॉजिटिव केस थे, और वो खुद आगे आए हैं और उनकी धर्मपत्नी मुकेश अग्रवाल जी की प्लाज्मा डोनेट करने भोपाल जा रहे हैं। हमारे यहाँ भी प्लाज्मा एक्सट्रैक्शन मशीन और प्लाज्मा इम्प्लांट हो, इसके लिए भी डीन साहब से बात हो गई है, और जल्दी हम अपने यहाँ व्यवस्था करेंगे कि ये एक टेक्नोलॉजी है, उसका प्रयोग जबलपुर में भी हो। तो जो भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसका प्रयोग किया जाएगा। जबलपुर से कपिल दुबे की रिपोर्ट।